24 सितंबर 2022 पुर्तगाल वर्सेस चेक रिपब्लिक मैच में फैंस का रो रोकर बुरा हाल हो गया जब उन्होंने मैदान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खून से लथपथ देखा। गेम के 13वें मिनट में जब साथी खिलाड़ी के पास पर रोनाल्डो हेडर गोल मारने को तैयार थे तभी रोनाल्डो चेक रिपब्लिक के गोलकीपर थॉमस वेलिक से टकरा गए। थॉमस का हाथ CR7 की नाक पर इतनी जोर से लगा कि रोनाल्डो की नाक से खून की नदियां बह गई। दोस्तों चोट इतनी गहरी थी कि आनन फानन में ही रोनाल्डो की नाक पर एक प्लास्टर लगाना पड़ा। CR7 के असली फैंस उनकी जल्दी रिकवरी के लिए कमेंट में Get well soon CR7 जरूर